हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद इज 24x7 पर। अभी हम क्या पढ़ रहे थे? शब्दों का वर्गीकरण। पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था कि शब्दों का वर्गीकरण किस तरह होता है और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो शब्दों के वर्गीकरण में हमने पहले क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और हमने पढ़ा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, तद्भव शब्द क्या होते हैं, देशज क्या होते हैं, विदेशज क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ा। फिर दूसरा हमने पढ़ा कि रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो हमने रूढ़ शब्द पढ़ा, योग रूढ़ शब्द पढ़ा और यौगिक शब्द पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, यानी आज का टॉपिक है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, और दूसरा है रूप और रूप परिवर्तन या प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, ठीक है। तो आज इन दोनों टॉपिक को हम खत्म करेंगे। ये दोनों जो पहली टॉपिक है और दूसरा है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक है। चलिए, प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो इस शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, यानी रूप के आधार पर 8 तरीके से शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। वो 8 भाग होते हैं, 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक एंड विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। तो ये सब क्या होते हैं? ये हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, और इसके कितने भेद हैं? टोटल 8 भेद हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर या रूप के आधार पर, रूप या प्रयोग दोनों में से कुछ भी दे सकता है, कि शब्दों का वर्गीकरण किया गया है तो उसके कितने भेद हैं, तो टोटल कितने भेद हैं? 8 भेद हैं, है ना। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है ना। ये होते हैं, ठीक है। इन उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों को भी विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जा सकता है, यानी ये जो 8 तरीके हैं इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किससे क्या क्या नाम दिया गया है? एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द, ठीक है ना। क्या यानी कि यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, ये होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। विकारी और क्रिया विशेषण, संबोधन, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये है अविकारी, जिसको हम अव्यय भी कहते हैं, जिसको हमने पहले, जिसकी क्लास आ चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा कि अव्यय या अविकारी शब्द किसे कहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? ये 4 आते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबोधन है, समुच्चय बोधक है और विस्मयादि बोधक है। ये 4 अविकारी शब्द हैं। तो आपको ये समझ में आया ना कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, कि प्रयोग और रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया गया है, जिसके 8 भेद हैं। कौन कौन से है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। अब इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले जो 4 है, जो पहला जो 4 आते हैं, जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, इसको विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द का मतलब है कि ये जब लिंग होगा, वचन के साथ मिलेंगे, तो क्या होगा, इनमें चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जिसमें क्रिया विशेषण, लिंग और वचन, ये सब जुड़ने के बाद भी इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो आपको 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। चलिए फिर आगे देखेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है, यानी जिन शब्दों का रूप में परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द होते हैं। जैसे कुत्ता, कुत्ते, कुत्तो, है ना। जैसे जैसे लिंग वचन के साथ ये मिलेंगे ना, तो ये कभी कुत्ता हो जाता है, कभी कुत्ते हो जाते हैं, कभी कुत्तो हो जाते हैं। मैं, मुझे, हमें, है ना, इस तरह के चेंज होते हैं। अच्छा, अच्छे, है ना, खाता है, खाती है, खाते हैं, इसमें वो चेंज हो जाता है। इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। यानी अगर एग्जामिनेशन में पूछे कि विकारी
विकारी शब्द कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक है ना, ये होते हैं विकारी शब्द। अविकारी शब्द वो चार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हमने क्रिया विशेषण पढ़ा, संबंध बोधक पढ़ा, समुच्चय बोधक पढ़ा और विस्मय आदि बोधक पढ़ा, ठीक है। अब अविकारी शब्द जिसको हम क्या बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं ना, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी आप किसी के साथ भी जोड़ लो इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, इस ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, किंतु, नित्य, और, है, अरे आदि, ये सब कौन से शब्द हैं, ये अविकारी शब्द हैं, यानी कि इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है, ठीक है, इन सब चीजों में। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक आते हैं, ठीक है। चलिए अर्थ की दृष्टि से आप देखेंगे, अर्थ की दृष्टि से और शब्दों का वर्गीकरण अभी हम किसका देख रहे थे, हम देख रहे थे रूप के और प्रयोग के आधार पे। अब हम अर्थ के आधार पे शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, तो दो तरह से कर सकते हैं, है ना। अर्थ की दृष्टि से शब्द को दो, शब्द के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, है ना, कौन कौन से होते हैं, तो सार्थक शब्द होता है और एक निरर्थक शब्द होता है। सार्थक का मतलब क्या हुआ, जिसकी कोई मीनिंग हो, और निरर्थक जिसकी कोई मीनिंग ना हो, ठीक है ना। सबसे पहले हम सार्थक शब्द देखेंगे कि सार्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कुछ ना कुछ अर्थ हो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, यानी जिस शब्दों की कुछ मीनिंग होती है ना, मीनिंगफुल वर्ड। सार्थक का मतलब क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द वो होता है जिसकी मीनिंग होती है उसको सार्थक, जैसे रोटी, रोटी का अर्थ होता है, ठीक है, पानी का अर्थ होता है, ममता का अर्थ होता है, डंडा का अर्थ होता है ना, तो ये सब का अर्थ है ना, मीनिंगफुल वर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द, ठीक है। निरर्थक शब्द किसके कहते हैं, जिसकी कोई मीनिंग ना हो, है ना, कोई मतलब नहीं बनता है, तो उसको निरर्थक पढ़ते हैं। आप देखते हैं निरर्थक शब्द क्या होता है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं, यानी मीनिंगलेस, वो था मीनिंगफुल शब्द, है ना, और ये मीनिंगलेस शब्द है। जैसे रोटी बोटी, रोटी बोटी क्या होता है, रोटी का तो मतलब समझ में आता है कि रोटी मतलब क्या होता है ना, चपाती, लेकिन बोटी क्या होता है, तो ये अगर एग्जामिनेशन में आए तो आपको देखना होगा कि अगर आए एग्जामिनेशन में आपके कि निरर्थक शब्द आपको चुनना है, तो अगर इस तरह के शब्द आपको ऑप्शन में दिए रहे कि रोटी बोटी, पानी दिया रहे, डंडा दिया रहे, तो पानी क्या होता है, सार्थक होता है, डंडा सार्थक होता है, लेकिन डंडा वंडा दे दिया जाए, जैसे आम भाषा में हम बोल देते ना, डंडा वंडा ले आओ, अरे भाई पानी वानी ले आओ, रोटी बोटी खिलाओ, इस तरह की बातें करते हैं, तो वो शब्द क्या होते हैं, जिसकी कोई मीनिंग नहीं होती, तो वो होते हैं निरर्थक शब्द, मीनिंगलेस शब्द होते हैं, मीनिंगलेस वर्ड हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के शब्दों को हम निरर्थक शब्द बोलते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि अर्थ की दृष्टि से, है ना, अर्थ की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो दो भागों में किया गया है। कौन कौन सी, तो एक एक अर्थ की दृष्टि से कितने भागों में किया गया है, तो दो भागों में किया गया है। कौन कौन से, तो एक सार्थक शब्द होता है, एक निरर्थक शब्द होता है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, यानी शब्दों का वर्गीकरण के चार तरह से कर सकते हैं। एक है उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, दूसरा रचना और युक्तक्ति के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर, और रूप परिवर्तन और प्रयोग के आधार पर। हमने क्या पढ़ा था, उत्पत्ति के आधार पर चार तरह के पढ़ा था, कभी कभी हम पांच भी पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा था तत्सम शब्द, तत्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द, कि कोई कोई संकर शब्द को नहीं लेता है, लेकिन संकर शब्द भी इसी में आते हैं। दूसरा था रचना के आधार पर, यानी रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। तीसरा था हमने अर्थ के आधार पर पढ़ा, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, और यानी दो तरह के होते हैं, आपको याद रखना है, ये पांच तरह के होते हैं या चार तरह के होते हैं, जनरली हम पांच तरह के पढ़ते हैं, ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना। रचना के दृष्टि से, अर्थ के दृष्टि से दो तरह के, कौन कौन से, सार्थक और निरर्थक जो अभी हमने पढ़ा, और रूप परिवर्तन और प्रयोग की दृष्टि से कितने होते हैं, रूप परिवर्तन प्रयोग की दृष्टि से आठ तरह के होते हैं, जिसमें चार होते हैं विकारी शब्द और चार होते हैं अविकारी शब्द, ठीक है। तो इसमें ही आता है, प्रयोग की दृष्टि में आता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, है ना, क्रिया विशेषण,
संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये आज ये हमारा शब्दों का वर्गीकरण टॉपिक आज खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी ऐसे कंफ्यूजन रह गई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ये जो ग्रामर की सीरीज है वो सारे एग्जामिनेशन के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को देने जा रहे हैं या आप किसी स्कूल लेवल के स्टूडेंट हैं, है ना। तो आप अपने नोट्स इससे बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।